नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले आईसीआर 2024 के ऊपर साथियों, है ना, कंप्लीट चर्चा अपन करने वाले हैं। साथ ही रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ स्टूडेंट्स के मेल नहीं आ रहा, तो इन्हीं के ऊपर आज अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे। साथ ही रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी प्रोसेस में बताने वाला हूं, तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। अगर आप अपनी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ब्राइट एग्रो क्लासेस हमेशा कृषि विद्यार्थियों के लिए कोई भी अपडेट आती है, कोई भी न्यूज आती है, इंफॉर्मेशन हम आपको अवेलेबल करवा देते हैं साथियों, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो आज अपन चर्चा करेंगे साथियों कि रजिस्ट्रेशन जो है आपके स्टार्ट हो चुके हैं, यूजी वाले जो स्टूडेंट्स है आईसीआर के अंदर जिन्होंने एग्जाम दिया था उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, सीयूटी के विद्यार्थी जिन्होंने आईसीआर को मेंशन किया था, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और 23 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट है, मतलब 23 तारीख पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है साथियों। अब एक प्रॉब्लम आ रही स्टूडेंट्स के, क्योंकि आईसीआर मेल भेजेगा आपको, जो आपकी मेल आईडी है जो आपने लगाई थी फॉर्म के अंदर, वहां पर उसमें आपके रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड दिए हुए होंगे, तो उन्हीं को आप लगा के लॉगिन करोगे और अपना रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट करोगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की दिक्कत आ रही है कि सर मेल ही नहीं आ रहा, क्या करे, तो उन स्टूडेंट्स की अपन चर्चा करेंगे कि आपको क्या करना है जिनके मेल नहीं आ रहा, और रजिस्ट्रेशन कैसे करने वाले हैं अपन, उसकी संपूर्ण चर्चा अपन करने वाले हैं, तो आप बने रहना। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, 23 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, तो आप कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन जो है अपने कंप्लीट कर लेना। बात करें कुछ स्टूडेंट्स के मेल नहीं आ रहे, उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, वहां पर हेल्प डेस्क में जाके वहां पर साइट के अंदर हेल्पलाइन नंबर पर आप बात कर सकते हो, उन्हें मेल कर सकते हो, बता सकते हो। साथ ही आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपकी मेल आईडी है उसे आप चेक करना, है ना, आपकी जो मेल आईडी है उसमें आप जाके सेंट में जाके स्पैम में जाके वहां पर सारी मेल के अंदर आप चेक करना कि आपका मेल आया हुआ है या नहीं आया हुआ। अगर आपके कोई बिना फालतू के एक दो मेल आ रहा है उनको डिलीट करना, हो सकता है कई बार इसके कारण भी आपकी मेल अटक जाती है, तो वो चीज देखना। वो सब करने के बाद आप वेट करना, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, एनटीए ने जारी कर दिया कि जो आपका यूजर नेम जो आपको वहां पर लॉग इन करना है, वहां पर यूजर नेम के अंदर आप क्या लिखोगे, जो आपके एप्लीकेशन नंबर है, जो आपके एप्लीकेशन नंबर है जिन्होंने सीयूटी का एग्जाम दिया था, वो विद्यार्थी जो आपके एप्लीकेशन नंबर है वो वहां पर आप यूजर नेम के तौर पे यूज करोगे, है ना, उन नंबरों को आपको वहां पर लगाना है। बात करें पासवर्ड की, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है 14/4/1994 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो पासवर्ड आपको कैसे लगाना है, 1994 को आपको पहले लिखना है, 04 जो महीना है उसको आपको यहां पर लिखना है, है ना, और 14 यहां पर आपको लिखना है। तो साथियों इस क्रम में आपको लिखना है, देखना आप 1994 04 04 14 14, तो ऐसे ही आपको पासवर्ड लगाने हैं जिन विद्यार्थियों का मेल नहीं आया है, उन विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूं। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दी कि यूजर नेम में जो आपके एप्लीकेशन नंबर आप वो डाल दीजिए वहां पर, उसके बाद पासवर्ड में आपकी जो मेल है ना, जो आपकी मेल है वो आपको डालनी है, कैसे डालनी है वो मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपके डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिख लीजिए, और उसको यहां से देखिए 1994 है, इनको फर्स्ट पे आपको लिखना है, 04 है 04 आप यहां पर लिख दिए, और वहां पर 14 है 14 आपने यहां पर लिख दिया, तो इस क्रम में आपको क्या करना है, पासवर्ड लगाने हैं, है ना। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपको किस प्रकार से वहां पर लॉग इन करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे मेल ही नहीं आई हम क्या करें, तो उन्हीं के लिए साथियों में वीडियो लेके आए, आप अपने साथियों के साथ में भी वीडियो को शेयर कर देना। साथ ही बात करें अगर आप पीपीजी डब्ल्यू एफ ओ जेआरएफ सीयूटीपीजी की तैयारी करना चाहते हो फ्री के अंदर, तो अपने टेस्ट सीरीज है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हो, ऐप के ऊपर आप टेस्ट दोगे, उसके बाद आपको 6 बजे लाइव जो है अपने यूट्यूब पर कंप्लीट सॉल्यूशन इन क्वेश्चन का मिल जाएगा, तो आप फ्री के अंदर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। ऑल इंडिया अगर आप किसी भी स्टेट से हो तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। साथियों अब चलते हैं अपन अपने टॉपिक की ओर। साथ ही अगर आप एग्रीकल्चर के कोई भी स्टूडेंट है, अगर आपको किसी प्रकार के नोट चाहिए, क्लासेस चाहिए, ओल्ड पेपर चाहिए, है ना, बेसिकली राजस्थान की अपन बात करें या फिर यूपी एमपी वगैरह की जो स्टेट है वहां पर बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो ये ज्वाइन कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कंप्लीट मैटर मिलेगा साथियों, है ना, अपने साथियों के साथ आप शेयर कर सकते हो। ब्राइट एग्रो क्लासेस आपको हमेशा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। बात करें सर रजिस्ट्रेशन की, तो साथियों रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है, क्यों करवाना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आपका रैंक कार्ड आएगा, क्या आएगा, रैंक कार्ड, है ना, रैंक कार्ड आपका रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में ही जारी होगा, उससे पहले आपका रैंक कार्ड नहीं आएगा, तो आईसीआर के पास आपकी डिटेल जाएगी, आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे
उसके बाद आपका रैंक कार्ड जारी होगा। अगर किसी विद्यार्थी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसका रैंक कार्ड नहीं आएगा और वो आगे के लिए इलिजिबल नहीं रहेगा। बात करें इसकी फीस लग रही है साथियों, जीरो, कोई फीस आपकी नहीं लग रही, आपको कोई चार्ज इसमें नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रजिस्ट्रेशन है। फीस आपको कब पे करनी है, जब आप चॉइस फिलिंग करोगे, कॉलेज आप लगाओगे, उस टाइम आपकी जो फीस लगेगी आपको वहां पर पे करना है, यहां पर आपको कोई फीस नहीं देनी। साथ ही बात करें अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए साथियों, तो आप हमारे जो टेलीग्राम है ब्राइट एग्रो क्लासेस वो ज्वाइन कर सकते हो, अपना व्हाट्सएप है वो ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए। इन प्लेटफॉर्म पर मैसेज डाल देते हैं हम, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि आपकी काउंसलिंग है, कोई भी अपडेट है, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, वो आपको पता चल जाती है। तो आप अपना जो ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, वो ज्वाइन कर सकते हो। अब अपन बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन जब आप वेबसाइट वहां पर जाओगे, वेबसाइट को ओपन करोगे, तो वहां पर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज बताने वाला हूं, तो ये चीज आप स्टेप बाय स्टेप करोगे साथियों। जब आप वहां पर जाके साइट को खोलोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा एप्लीकेंट लॉग इन, यूनिवर्सिटी लॉग इन। तो आपको क्या करना है, जो एप्लीकेंट लॉग इन है, क्या है एप्लीकेंट जो लॉग इन है उसको आपको क्लिक करना है। एप्लीकेंट लॉग इन करने के बाद में आप आगे चलोगे, आपको इस प्रकार से यहाँ पर लॉगिन में सिंग इन करना है ना, यूजर की जो आपकी फोटो है वहां पर इस प्रकार से कोई दिखाई देगा आपको, वहां पर आपको क्या करना है सिंग इन पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये आ जाएगा, जहां पर आपको लॉगिन आईडी लगानी है और पासवर्ड लगाने हैं। जिन विद्यार्थियों के लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ चुके हैं वो लगा सकते हैं, जिनके नहीं आए मैंने आपको बता दिया, आपको जो एप्लीकेशन नंबर है उनको और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उनको एज ए पासवर्ड आपको यूज में लेना है। ठीक है, यहां पर ये सब करने के बाद में आपको करना है सबमिट। आप क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे साथियों। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपकी जो रहेगी, वहां पर आपको इस ऑप्शन को चूज करना है, क्योंकि मेरे को रिफ्लेक्शन के कारण कंप्लीट चीजें जो है दिखाई नहीं दे रही है, आई होप आपको दिखाई दे रही होगी, इसलिए मैं फोन का यूज करूंगा ये पीडीएफ देखने के लिए, ताकि मैं आपको इजी वे में सारी चीजें पढ़ के बता दूं, है ना। आपको दिखाई दे रही है लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण कंप्लीट साथियों मैं नहीं देख पा रहा इस चीज को। ठीक है, फिर यहां पर आएगा रजिस्टर फॉर सीट अलोकेशन, है ना, ये आपको दिखाई देगा। यहां पर आपको रजिस्टर जो है इस पर क्लिक करना है, क्या करना है क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपकी जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी, उस नेक्स्ट स्टेप का नाम मैं आपको लेके बता देता हूं। यहां पर रहेगा आपके एडिट या व्यू, है ना, एडिट और व्यू का ऑप्शन आएगा यहां पर, इसको आपको क्या करना है क्लिक करना है। एडिट और व्यू का जो ऑप्शन है उसको आप क्या करोगे साथियों, क्लिक कर लोगे। उसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो ओपन हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। यहां पर सात स्टेप दे रखी है साथियों, कितनी स्टेप्स है, देर आर सेवन स्टेप्स, है ना, सात स्टेप यहां पर दे रखी है। एक स्टेप आपकी कंप्लीट यहां पर बताएगी एप्लीकेशन डिटेल की, उसके बाद की जो है इनकम्प्लीट है, आपको इन स्टेप्स को क्या करना है कंप्लीट करना है, सही तरीके से कंप्लीट करना है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि अगर आप फिर बाद में जाओगे वहां पर कॉलेज के अंदर डॉक्यूमेंट्स लेके तो आपको बाहर कर देंगे, इसलिए आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन सही तरीके से आपको यहां पर फिल करना है। तो ये स्टेप आपकी नेक्स्ट स्टेप रहेगी। उसके बाद में अपन चले, आप फर्स्ट स्टेप चूज करोगे, है ना, फर्स्ट स्टेप का जो नाम है मैं आपको बता देता हूं यहां पर क्या नाम है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, है ना, क्या है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का है। और फर्स्ट जो आपकी डिटेल है वो है आपके एप्लीकेशन डिटेल, क्या है आपकी जो एप्लीकेशन डिटेल है वो है। तो आप एप्लीकेशन डिटेल जो है आपकी वो यहां पर आप कंप्लीट करोगे, है ना, एप्लीकेशन डिटेल में आपको यहाँ पर दे रखे हैं आपका जो भी नाम है, आपके पिता का नाम है, मदर का नाम है, कैटेगरी आपकी, और जो भी आपके फिजिकल को चैलेंज है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, नेशनलिटी क्या है आपकी, जेंडर क्या है आपका, मदर ऑक्यूपेशन क्या है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप फिल करोगे साथियों, है ना, ये सारी चीजें आप वहां पर फिल कर दोगे। ये आपकी हो गई वहां पर फर्स्ट स्टेप, जो है आपकी एप्लीकेशन डिटेल है वो यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। ये चीजें फिल करने के बाद में आपकी जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट होगी, तो आपको इन सबको चूज करना है। उसके बाद में आपकी है परमानेंट एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको ये भी फिल करना है, सही तरीके से फिल करना है, ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपकी फोटो और सिग्नेचर, है ना, क्या है फोटो और जो सिग्नेचर वाला है वो आपको अपलोड करना है। तो ये चीजें आप यहाँ पर अपलोड कर दोगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ध्यान रखना यहाँ पर एक क्राइटेरिया फिक्स रहता है कि 100 KB से कम की आपकी फोटो और सिग्नेचर की साइज होनी चाहिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप जाके गूगल पे इनको कंप्रेस करके इनकी साइज को कम करके आप इनको यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, इजीली अपलोड कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट स्टेप है एजुकेशनल डिटेल, क्या है एजुकेशनल डिटेल है जो आपको यहाँ पर शो हो रही है ना। तो आपकी जो भी एजुकेशनल डिटेल है
वो आप यहाँ पर कंप्लीट तरीके से फिल करोगे। आपके 10th और 12th की जो भी है, आपके जो भी सब्जेक्ट है, वो आप यहाँ पर कंप्लीट तरीके से फिल कर दोगे। साथ ही देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप अपना ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो। एक बार आप जो अगर पहले अगर वो रजिस्टर करने से पहले एक बार PDF आप देख सकते हो किस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, उसके बाद आप कंप्लीट कर सकते हो ताकि आपके कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, तो ये रही आपकी नेक्स्ट स्टेप जो अपने एजुकेशन डिटेल की है, वो आप यहाँ पर क्या कर लोगे, फिल कर लोगे, है ना। इसको आप कंप्लीट फिल कर लोगे। उसके बाद में आपसे यहाँ पर मांगेगा कि जो आपके सब्जेक्ट है ना, क्लास 12th सब्जेक्ट एंड मार्क्स, वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं साथियों। क्लास 12th के आपके जो भी मार्क्स है, सब्जेक्ट्स है, वो आप यहाँ पर फिल करोगे। ठीक है, ये फिल करने के बाद में आपके आएंगे CUT के मार्क्स, है ना। जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं CUT के अंदर, जो आपने एग्जाम दिया था, वो आप यहाँ पर क्या करोगे, फिल करोगे। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आपको फिर भी जो वर्ड्स है काफी छोटे होने के कारण अगर आपको दिखाई नहीं देते, तो मैं इनका नाम लेके आपको पढ़ के कंप्लीट चीज आपको बता रहा हूं साथियों, है ना। तो ये चीजें आप फिल कर दोगे। उसके बाद में आपकी रहेगी नेक्स्ट स्टेप, और वो है डॉक्यूमेंट डिटेल। जो आपकी डॉक्यूमेंट डिटेल है वो आपको फिल करना है इन स्टेप के बाद में। तो ये रही आपकी डॉक्यूमेंट डिटेल। तो आपको ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या करना है, अपलोड करना है। ठीक है, आपका जो भी एडमिट कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है, SC ST जो भी आपके सर्टिफिकेट है वो आप करोगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट करोगे, आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट करोगे, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट करोगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करोगे। आपके माइंड में एक मेरे पास एक मैसेज आया कि सर ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम कहाँ से लाए, तो जो आपकी ये स्कूल थी वो आपको देंगे। जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आप अपने स्कूल से ला सकते हो, अगर खो गया है तो आप दोबारा ला सकते हो जाके, कोई हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वो चीज आप ला सकते हो। तो और आपके बैंक पासबुक जो भी है यहाँ पर फोटो लगेगी, तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आप वहां पर जाके अपलोड करोगे, है ना। ठीक है, लगभग 6 स्टेप आपकी कंप्लीट हो जाएगी इन सबको करने के बाद में। क्या हो गई अपनी, 6 स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में लास्ट स्टेप है आपकी 7th स्टेप, वो है जो आपका रजिस्टर फॉर्म है वो आपके सामने खुल जाएगा कि आपने क्या क्या डिटेल यहाँ पर भरी है। ठीक है, वो चीजें आप यहाँ पर देखोगे, और फिर आपको क्या करना है, अगर आपकी डिटेल सही है आपको एक बार चेक करना है। हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, क्योंकि मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलतियां होना लाजमी है, भगवान तो है नहीं जो मिस्टेक ना करे। तो आप इनको चेक करोगे, अगर कोई दिक्कत है तो आप वापस जाके इनको ठीक करोगे, और उसके बाद सारी चीजें ठीक होने के बाद यहाँ पर आपको टिक करना है, और सेव एंड सबमिट, आप यहाँ पर कंफर्म और सबमिट का जो ऑप्शन है उसे क्लिक करके आप इनको सबमिट कर दोगे साथियों। तो ये है आपके 7 स्टेप में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की जो है प्रक्रिया है वो मैंने आपको बता दी है। ये PDF आपको अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो ऐप है वहां पर मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, एक रुपए भी आपको चार्ज नहीं करना। जो अपना फ्री मटेरियल जो कंटेंट रहता है वहां पर आपको अवेलेबल होगी। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, किसी भी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमें मैसेज कर सकते हो, साथ ही साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हो, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमें कॉल कर सकते हो, हमारे से बात कर सकते हो, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, जितना हमारे से होगा उतना हम आपके लिए करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, इनका कोई भी चार्ज आपके नहीं लगेगा। और जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आप खुद कर सकते हो, किसी और की आपको जरूरत नहीं है। ज्यादा लोड मत लेना कि सर इतना फास्ट भी नहीं है, मैंने आपको बता दी है 7 स्टेप में आपका कंप्लीट प्रोसेस होगा। साथ के साथ स्टेप मैंने आपको समझा दी है कि इस स्टेप में आपको ये काम करना है। अगर किसी विद्यार्थी को लिंक भी नहीं मिल रहा कि सर लिंक कहाँ मिलेगा, मुझे तो लिंक भी नहीं मिल रहा, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, हम आपको लिंक भी अवेलेबल करवा देंगे। अगर आपका कोई भी काम है, आपको कुछ पूछना है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी हम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही जो हमारे नंबर है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप पर इन पर कभी भी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप बात करके हमारे से पूछ सकते हो कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, आप ये चीज बता दो, या फिर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है तो आप ले सकते हो। आप ये नंबर नोट कर सकते हो साथियों, ये है अपने दो नंबर है अपने इंस्टीट्यूट के, आप इनको नोट कर लो, आप इन पर कभी भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो, दोनों नंबर आपको हमेशा 24x7 अवेलेबल रहेंगे, तो आप बात कर सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, आप चाहते हो कि सर ऐसी जानकारी हमें सबसे सटीक और फास्ट चाहिए, तो आप अपना टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर लो, अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, और फिर हमारे जो नंबर है आप इन पर तो ज्वाइन कर ही सकते हो साथियों। तो आज का जो सेशन था वो इसीलिए था कि कुछ स्टूडेंट्स के मेल की समस्या आ रही थी। क्या दिक्कत आ रही थी साथियों, कि सर मेल नहीं आ रहा,
हम क्या करें। तो स्टूडेंट है कई बार सोच लेता है कि सर मेरे मेल नहीं आई मैं क्या करूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक हम साथ है हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, डोंट वरी। तो मेल का सोल्यूशन अपन ने कर लिया कि आपको यूजर नेम और जो पासवर्ड है आपको किस प्रकार से लगाने हैं, साथ ही रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है वो जो साथ के साथ स्टेप है मैंने आपको करा दी, कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। संपूर्ण चर्चा अपन ने इसके बारे में की, ज्यादा अपन लंबा सेशन नहीं कह सकते क्योंकि आपके जो काम की बातें हैं वो मैंने आपको बता दी, और फिर भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो क्योंकि कमेंट्स की रिप्लाई अपन देते हैं आपको, आपको भी पता है अगर आप दोबारा अपनी वीडियो देख रहे हो तो, और कोई अगर पहली बार देख रहा है तो वो भी कमेंट करके पूछ सकता है क्योंकि अपन रिप्लाई स्टूडेंट्स को हमेशा देते हैं, और अपने जो नंबर है आप उन पर हमें कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई तो आप वीडियो को शेयर करना। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों, धन्यवाद।